Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, अरे कोई भी दिल से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका ता हो, कुछ नवासों का सदका ता हो, दर पे आया हूँ बन कर सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बजाली। हाँ आबरू दीन हक की बजाली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। आशिके मुस्तफा की अदा में अल्लाह अल्लाह कितना सही था, अल्लाह अल्लाह कितना सही था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या आजादी अजाने बिलाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। काश पूर्णम तैयारे नबी में जीत जी हो बुलावा किसी दिन, हाँ जीत जी हो बुलावा किसी दिन। हाल दिल मुस्तफा को सुनाऊं, हाल दिल मुस्तफा को सुनाऊं, थाम कर उनके रोजे की जाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जीतते रहो भैया, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, इत्तेहाद रमजान में नूर, आप अपनी सीट पे आ गए, बिल्कुल बिल्कुल बैठें। और इसी के साथ हम बताना चाहते हैं आपको कि हमारे साथ आज साबरी सिस्टर्स के साथ साथ हमारे एक और मेहमान रहेंगे, जाने पहचाने हैं आप सबके बहुत, लेकिन हमारे इत्तेहाद रमजान में कहती हूँ हम जो सीखने आए हैं तो इन लोगों से बड़ा सीख रहे हैं। इमरान उल हक कल्याणवी साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। 26वां रोजा माशाल्लाह मुबारक, मुबारक, और आप लोगों की ट्रांसमिशन को भी मुबारक है। आप लोगों ने बड़ी कामयाबी से माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैसेज दिया, जो हमें बाद में निकलने के बाद मिलने वाले से पता रहता है कि माशाल्लाह लोग बहुत कुछ देख रहे हैं और सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो
असल में तो रमजान ट्रांसमिशन के मकसद ये होते हैं जी, लेकिन जी। कोशिश अपनी सी ज़ाहिर है, लेकिन मुझे ये लगा कि इसमें जो कॉन्सेप्ट था ना, जब मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों को ये सबसे जानदार कॉन्सेप्ट था कि इस वक्त जो है ना वो यानी कराची में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के पूरे आलम इस्लाम से लोगों को जोड़ना, एक दूसरे कल्चर को दिखाना और उसको प्रमोट करना, मुसलमानों का करना, इत्तेहाद की पता ही नहीं थी, सिर से नहीं पता थी। वाकईतन ये जो कुरान करीम में तो आता भी ना, फसीरु फिल अर्ज फनजुरु, जमीन में जरा घूमो फिरो देखो तैसे अल्लाह की कुदरत निशानियां। तो वो अब जाहिर हर एक के वसाइल तो नहीं कि पूरी दुनिया घूमे, वहाँ के वसाइल इतने हो गए भाई जाके देख के सीखे, लेकिन स्क्रीन की आंख आजकल इतनी जबरदस्त चीज़ है कि घर बैठे कितनी चीज़ें दिखा देती है। तो फिर सोशल मीडिया पे और मजीद जो इसके दोबारा रिपीट होते हैं प्रोग्राम और देखते हैं लोग, तो बड़ा अच्छा फीडबैक रहा कि लोगों ने बहुत कुछ देखा सीखा। सूफिया कराम जो दुनिया भर में मुख्तलिफ मकामात पे आराम फरमा है, उनकी ज्यारतें हुई। अच्छा, ये जो हम कहते हैं थोड़ा सा भी इल्म हो उसको बांटो, बिल्कुल बिल्कुल यही हुक्म है। लेकिन ये जो हम अगर इसको इस एंगल से ले लिया जाए कि ये भी एक तरह की, आप देखें अगर आप कोई चीज़ है और उसको जान रहे हैं और उसको बता रहे हैं टेलीविजन के जरिए, तो इसका कितना खूबसूरत एंगल है वो देखें ना। जमाने के लिहाज से टीचिंग के लर्निंग के स्टाइल थोड़े चेंज हो जाते हैं जी। अब आज का जो जमाना उसमें न्यू जनरेशन को आप वैसे सिर्फ लेक्चर दे थोड़ी देर में उकता जाते हैं, लेकिन उसके आज के जहन के मुताबिक के न्यू जनरेशन जो किस तरह उसको अच्छी तरह एक्सेप्ट कर सकती है, सीख सकती है, उसके लिए बेहतरीन जरिया और तरीका यही है। और फिर जो जाने वाले यहाँ से यंगस्टर जितने भी वहाँ से जो उन चीज़ों को दिखा रहे हैं बता रहे हैं, उन्होंने जिस स्पिरिट के साथ एक अंदाज के साथ दिखाया, तो उनका एक नौजवानों से कनेक्शन भी है कि लड़के लड़की उनको खासतौर पर देखते हैं फॉलो करते हैं आम दुनिया में, लेकिन उनका एक मजहबी जो है ना पहलू सामने आया कि भाई हर एक अपना पर्सनल मजहबी। जब आप यंग जनरेशन थे जी, मतलब अब चूंकि तीसरी बनती है, तो वो आपके मुतालिक भी कहते थे कि आप लोग भी उकता आ जाते हैं, या आपके मुतालिक क्या ख्याल था उस वक्त जो आपकी मेरी? हाँ, देखिए बहुत ज्यादा संजीदा माहौल तो देखिए हर एक को उकता देता हो जाता है, कंफर्म बात है। आपको मीडियम को इस्तेमाल करना चाहिए, हम अब किस तरह आप करें वो एक इम्पोर्टेंट बिल्कुल है ना, उस वक्त की जरूरत के मुताबिक उस चीज को इस्तेमाल किया जाए। अब देखिए ना कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारक में जिस तरह था, अगर सेम उस जमाने की तरह आज ही लाया जाए तो एक लफ्ज भी हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसको वक्त के साथ साथ अपडेट किया गया किया गया किया गया। आज इतना इतना माशाल्लाह अच्छे तरीके से हो गया कि मुख्तलिफ उसके, इसीलिए तो फिर टीवी पे भी एक इस बात की जरूरत फिर बाद में महसूस की गई जी, उलमाए इकराम की तरफ से भी कि आया जाए और बताया जाए, ताकि आपका वो पैगाम जो एक मजमे में 200 लोग सुन सकते हाँ। हैं टेलीविजन के जरिए लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच सकता है, समझते हैं माशाल्लाह। एंगल अगर आप और नियतें आपकी मुख्तलिफ हो तो चीजों को इस अंदाज से भी लिया जाए। उससे एक रिसर्च पिछले दिनों में जो फाइंडिंग आई, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ, कहते हैं कि नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बयान 7.5 मिनट से ज्यादा नहीं है, ये बात दुरुस्त है? कंफर्म तो नहीं है, बसावकात आपके खुतबात जो लिखे हुए मिलते हैं तवील भी हैं, लेकिन एक उसूल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया और सहाबा किराम ने जो दिया वो ये कि कलील हो लेकिन पुरदलील हो। जैसे ये भी कहा गया कि जब बाजमात नमाज हो तो छोटी सूरा का इंतखाब किया जाए, बुजुर्ग भी होते हैं बार ना हो लोगों पर, आसानी और सहूलत के साथ बात। बिल्कुल, और तरावी के अंदर भी ये बताया गया कि तरावी भी जब आप पढ़ें तो कुरान सुनने की तालीम में मिलती है कि इंफरादी आप कोई भी नमाज पढ़ो जितना तवील चाहे करें सजदे रुकू, लेकिन जब इज्तिमाई करें तो उसको इतना मुख्तसर करें कि जिससे लोगों पे हावी ना हो। सूरत बात की कि मुख्तसर हो लेकिन दलील वाली बात हो। अच्छा, कहते हैं हजतुल विदा को भी इस पूरे खुतबे को देखें, हम लास्ट एड्रेस को, तो कुल मिला के इसका भी दौरानिया 10 मिनट से ज्यादा नहीं बनता जी। हाँ, दरहकीकत बात तो ये है कि ज्यादा तवील वाज वो इंसान को उकता देने वाले भी होते हैं, और कहा यह भी जाता है कि सहाबे किराम ने फरमाया कि फिर वो बातें उसमें से अक्सर याद भी नहीं रहती, इंसान भूल जाता है। तो गुफ्तगु मुख्तसर हो, पुरमग़्ज़ हो और इस तरीके से हो कि जो समझाई जा सके, और साथ में इस्लाम ये भी सिखाता है कि प्रैक्टिकल हो। हम ये समझते हैं ना प्रैक्टिकल शायद बाद में आया, कुरान करीम में मैं देखता हूँ कि जिस तरह कौवे वाली मिसाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों को जो कत्ल हुआ था, तो अल्लाह ने उसको प्रैक्टिकली दिखाया कौवे के जरिए, इंसान का पहला उस्ताद कौवा है। इंसान अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद भी अल्लाह पाक उसको दूसरी चीजों से सिखाते हैं। इसी तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब मौत और हयात की कैफियत का जानना चाहा, अल्लाह पाक ने 4 परिंदों के जरिए पूरा प्रैक्टिकल उनको करके दिखाया, आप परिंदे पालें फिर उनका कीमा बनाएं पहाड़ियों पर रख दें, तो ये थोड़ी एक दिन में सारा डेमो, बिल्कुल पूरा डेमो उसका दिया गया प्रैक्टिकल। इस तरह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे का वाकया है, वो एक बस्ती पे गुजर रहे थे, बस्ती को देखा कि भाई उजड़ी हुई है, कैसे लोग जिंदा होंगे, तो अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह ने उन पर मौत तारी फरमा दी, 100 साल बाद उठे तो फिर वो पूरा दिखाया प्रोसेस, गधा दोबारा जिंदा हो रहा है, उसमें गोश्त चढ़ रहा है,
یعنی قرآن کریم میں پریکٹیکل ملتا ہے پورا, کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک پریکٹیکلی سمجھایا. اصحاب کہف کا جو واقعہ پورا پریکٹیکل ہے وہ, کہ اس وقت لوگوں کو اشکال ہوتا تھا بھائی مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو سکیں گے, اللہ نے ان پہ نیند تاری فرما دی اور پھر ان کو دیکھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیجا, زندہ کر کے مقصد بیدار کر کے بھیجا. یہ پورا آنے والوں کے لیے پریکٹیکل ہے کہ اصل عملی طور پہ دیکھو کیسے ہوتا سب کچھ. اچھا مفتی صاحب, تھوڑا سا ڈائیورٹ اگر میں کروں آپ کو, آج 22 جون ہے اور ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی بتایا کہ آج ایک سال ہو گیا ہے ہم سے ہمارے اس دوست کو, ہماری اس خوبصورت آواز, ہمارے اس پیارے امجد صابری صاحب کو گزرے ہوئے, تو ہم ان کی یاد بھی پہ بھی بات کر رہے تھے آپ کے برابر میں. ماشاء اللہ ان کی فیملی جو ہیں بھتیجیاں, رائے بھتیجیاں موجود ہیں دونوں, آپ کا ان سے کبھی؟ جی امجد بھائی سے بہت رہا میرا قریبی تعلق, اور بلکہ وہ بھی کلیانہ سے تعلق رکھتے تھے, امجد بھائی نا کلیانہ کے ہیں وہ, اور کئی پروگراموں میں ساتھ. یہ نسبت بھی آپ لوگوں کی وہ جی ہاں, تو کیونکہ مجھے بھی کلیانہ کے بارے میں بڑا تجسس رہتا تھا کہ کلیانہ کیسا کہاں کب, تو ایک دفعہ ان سے پوری ہسٹری سنی گاڑی میں, ہم ساتھ ہی جا رہے تھے پروگرام کر کے, تو بہرحال ان سے پہلی ملاقات میں انسان اتنا اٹیچ ہو جاتا تھا امجد بھائی سے, تو پہلی ملاقات میں لگتا تھا برسوں کی دوستی, وہ تو کر لیتے ہیں, وہ اتنے مزے سے پورے وہاں کی اسٹوریاں سناتے ہوئے گئے کلیانے کی, کس طرح دیکھا, پھر اپنے والدہ کے دوستوں کی کہانیاں کہ وہاں بڑی بوڑھی آج بھی موجود ہیں, ویسے تو مسلم جتنے بھی تھے وہ سارے یہاں پہ ہجرت کر کے آ گئے تھے. اچھا لوگ ان کی نا پڑھنے کے انداز جو ہے اس سے بڑے متاثر ہیں, ظاہر ہے وہ ان کی شخصیت کی پہچان, مگر وہ بات بھی بڑے مزیدار انداز سے کرتے تھے. جی ہاں جن لوگوں نے سنا ہے بالکل, یعنی ایک تو مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ایسی رہتی تھی جیسے چھوٹے معصوم بچے نہیں تھے بھولے, چہرے پہ ایک کھلا ہوا پن اور مسکراہٹ, اسمائلی فیس, کبھی کرک پن نہیں دیکھا. یہ شاید یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے شرارتی بچہ ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ فرید صابری صاحب سے وہ جو گرام ہے جب وہ اللہ کہتے تھے تو وہ امجد بھائی کو ملا جی, وہ جب وہ پڑھتے تھے تو آپ کو بالکل, آپ آنکھیں بند کرے تو آپ کو خیال آتا تھا جیسے فرید صابری صاحب, تو یہ وہ جس کے نصیب میں ہو اس کو مل جاتا. اچھا یہ صابری سسٹرز جو آپ کا سلسلہ شروع ہوا پڑھنے اور پڑھانے کا, یہ آپ نے کہا چچا کی لائف میں شروع ہو گیا تھا, ٹریننگ ہماری شروع ہو گئی, لیکن آپ کی فیملی سے کبھی پہلے کوئی لڑکی؟ ہاں یہ تو پہلی بار ہوگا میرا خیال, یہ فرسٹ ٹائم ہے. مائک آپ کے مائک, یہ پہلی بار ہے, مطلب ہم سے پہلے کوئی نہیں تھی. دادی سے اجازت مل گئی, ان کا کیا کہنا ہے, کیا کہتی ہیں وہ اس بارے؟ پہلے تو نہیں ملتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن جب دادی نے سنا اور پوری فیملی نے سنا مجھے, اور جیسے کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ادھر بہت زیادہ پروگرامس ہوتے ہیں, محفل میلاد ہوتی ہے, عرس ہوتا ہے ہمارے دادا غلام فرید صابری صاحب کا, تو ابھی ریسنٹلی جو ہے ہوا ہے, اور اب جو آنے والی ابھی چاچو کی 40th ہوا ہے, برسی ہوئی ہے, اس کے بعد اب جو سپٹمبر میں آئے گی وہ مقبول صابری دادا کی برسی آئے گی. تو اس میں پروگرامس ہمارے ہوتے رہتے تھے, تو ہم لوگ پڑھتے رہتے تھے, تو جب دادی نے سنا, اور میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک سب سے پیارا لمحہ بتاتی ہوں کہ ابھی بھی اگر میں یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, میں بہت زیادہ روتی ہوں. ہمارے وہاں پروگرام تھا اور کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس طرح میلاد پڑھ رہے تھے, تو چاچو نے مجھے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ میں کیسا پڑھتی ہوں, پڑھتی بھی ہوں یا نہیں پڑھتی. تو میں نے پڑھا علی کے ساتھ زہرا کی شادی, اور وہ جب میں نے پڑھا تو چاچو باہر تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اندر لیڈیز تھیں, چاچو باہر تھے, اور جب میں نے پڑھا تو چاچو باہر سے اندر آئے, اور اندر آ کے وہ ناچنے لگے, مطلب خوشی سے ایک دھمال کرنے لگے, اور اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ اتنے سارے پیسے اڑائے, کیونکہ یہ ہمارے یہاں ایک ایسا ہے کہ جب مولا کا کلام لیا جاتا ہے تو وہ پیسے آتے ہیں, اور جب مجھے چاچو نے سنا اور میں اتنا روئی, اور اس کے بعد مجھے سینے سے لگایا, انعام بھی ملا آپ کو؟ جی جی, مجھے گلے سے لگایا, مجھے سینے سے لگایا, اس کے بعد کہا کہ تم بہت آگے جاؤ گی. یہ میری دادی نے پھر کیسے اجازت دی؟ دادی نے, چاچو نے پہلی دفعہ سنا. ہاں دادی نے سنا اور سن کے کہا کہ اب آواز ہے ایسی, میں کیا کہہ سکتی ہوں, پڑھ رہی ہو تو پڑھے جاؤ. اللہ چلیں, آج آپ سے کلام سلامت رکھے, سنتے رہیں گے کلام بھی اور ان کے متعلق باتیں بھی. آج ہم جن کی یاد کی بات کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں ہم اچھے اخلاق کی. کبھی کبھی ہمیں شاید یہ بھی بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم بہت اچھے اخلاق کے ہیں. میں کل بھی وہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب, جو سہیل احمد صاحب کے نانا اور بابا پنجابی انہیں کہتے ہیں, ان کا آپ ذرا یہ شعر سنیں کہ رکھ فقیرا دنیا دے وچ ایسا بین کھلون, رکھ فقیرا دنیا دے وچ ایسا بین کھلون, تو ہوویں تے لوکی ہسن
ना होवे ते रोण। अब आप जरा अमजद भाई को देखें, तो जब तक रहे तो सब मुस्कुराते थे और आज जब उनको याद करते तो आंखें भीग जाती हैं। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं साथी नौजवान। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर। जी इत्तेहाद से भरी इस ट्रांसमिशन में जिसका एक ही नारा है कि एक हो मुस्लिम, हम आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। और अब हमारी रहमतों में एक और इजाफा हुआ है जी, और बड़ी स्पेशल रहमत हमारे लिए इसलिए है, वो वेरी टैलेंटेड, बड़ा वेरी टैलेंटेड प्लस आपको पता है नूर, मेरा इनसे बड़ा ये एक तो स्क्रीन वाला ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हाँ, बड़ा दिली हमारा ताल्लुक इसलिए है कि मैंने जब ARY पे मॉर्निंग शो स्टार्ट किया तो मुझे एक ब्रांड ने अप्रोच किया, और खैर वो बात तो वो उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो इस फील्ड में आएँ, और कोई ख़ास है हमारी यंग जो है यंगस्टर और उसको होस्ट बनना है, और वो मेरे पास आई। फिर हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, फिर उसके बाद हमने एक साथ काम भी किया कुछ दिन, वो आई और हमारी टीम के साथ ट्रेनिंग भी रही। सो अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप के इस तरह की किसी नस्बत से आप सामने देखते हैं स्क्रीन पे कि इतना, हाँ तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ी अपनाइत की फील आती है जी। आपकी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। हमारे साथ राबिया अनम मौजूद है। खबरें क्या हैं? बहुत सारे रोजे गुजर गए लेकिन फिर भी रमजान सबको मुबारक। ट्रांसमिशन बहुत खूबसूरत, सेट बहुत प्यारा है, बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह 26वां रोजा आज पूरे इन सारे दिनों में हमें आप टीवी पे नजर नहीं आई को खास। हाँ, वो इसलिए कि हम न्यूज से थोड़ा हटके एक चीज प्लान कर रहे हैं। अच्छा, तो उस पर काम चल रहा है, और बस 7 साल बाद पहला रमजान मैं पूरा घर पे गुजार रही हूँ, तो आप सोचें कि मुझे कितना सुकून होगा। हाँ। मतलब कोई शो शुरू होने वाला है? शो शुरू होने वाला है। जबरदस्त। तो ये स्विच न्यूज से एकदम शोज में कैसा लग रहा है? एकदम 7 साल एकदम। के एकदम का है। नहीं, एकदम लगता है शायद पहले देखे। हाँ। जो माँ होती है ना बच्चे की, वो जो बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए उसे लगता है कि अभी तो छोटे से हो तुम, अभी क्या उम्र है। शाइस्ता जो है ना मेरी मेरी प्रोफेशन की अम्मी है, यार भी अम्मा ही हो गई। तो मैं जो भी कर लूँ ना शाइस्ता को लेगा, अभी तो कल की बात है, किया ही गया। सो हाँ, 7 साल हो गए, लेकिन ये बस इसी तरह से था। मैं चूंकि जियो में, और आपको पता है कि वहां पर न्यूज कास्टिंग नहीं है, वो न्यूज एंकरिंग है। हमें एक एक खबर का बैकग्राउंड पता होता है, मालूम होता है क्या चल रहा है, सब कुछ है। और हम बहुत सारी, तो अब तो समझे न्यूज कास्टिंग बची नहीं है, बहुत कम चीजें जो आप प्रॉम्प्टर से करते हैं, बाकी 80% काम आप खुद एक्सटेम्पोर कर रहे होते हैं, आपको पता होता है आपने क्या करना है, ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। तो बस वही चीज देखते हुए अब ये एक ऐसी चीज होगी जो कि खबरें नहीं होंगी, लेकिन क्या क्या हो रहा है जिंदगी में वो एक नए अंदाज में पेश करेंगे। सो इट्स, तो ये चेंज है लेकिन एक्साइटिंग है, है? एक्साइटिंग है बहुत ज्यादा, इसकी तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां तो चलें जी, बहुत जल्द हम कोई एक वीकेंड पे बड़ा मजेदार सी कोई चीज देखने वाले हैं, अच्छा पैकेज देखने वाले हैं वीकेंड पे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये ज़बानों बयां कितना बदल देती है ये न्यूज एंकरिंग और न्यूज कास्टिंग जो है? बहुत बदल देती है। मेरा तो बहुत ही, अब भी लोग कहते हैं जब मैं वैसे बात करती हूँ, जब हम, शायस्ता को भी ये पता होगा कि जब हम ऑन एयर जाते हैं तो हम बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन ये है, जब मैं फर्स्ट टाइम एक चैनल पे गई थी फॉर इंटर्नशिप, शाइस्ता के साथ तो मैंने होस्टिंग की थी, फिर मैंने अपनी स्टडीज़ में ही मैथ्स कम्युनिकेशन को रख लिया, हिस्ट्री रख ली, तो फिर ये साथ साथ चल रहा था सब कुछ। मैं एक चैनल में गई, वहाँ मुझे न्यूज़ एंकरिंग के लिए इंटर्नशिप मिली, तो उन्होंने कहा कि पहले आप ऑफ कैमरा काम करें, जैसे आप खबरें बनाएं, एडिटिंग करें। मैं वो करना शुरू ही, फर्स्ट जो मेरा ऑडिशन था, यानी मैं अंदर गई स्टूडियो में और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया अनम, तो उन्होंने कहा आपका बहुत अंग्रेजी एक्सेंट है और बहुत बचकाना एक्सेंट है, तो इसका तो बहुत टाइम लगेगा। उसके एक साल बाद मैं जियो पे थी, लेकिन फिर भी उस वक्त ये लगता है कि ये तो अभी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया बात करने का अंदाज, लहजा, तरीका। ये जो आपने बात की ना कि वो कास्टिंग नहीं है, वो एक्चुअली एंकरिंग है, न्यूज एंकरिंग है, तो ये बड़ा जरूरी है कि जो आप न्यूज में आप देख रहे हैं और देखने वाले को पता चलता है अच्छा ये जो बोल रही है वो उन्हें मालूम नहीं है,
ये एक बड़ी अजीब ये बस आप खुद चूंकि जियो में काम कर चुकी हैं, आपको पता है उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, जब तक मुझे खुद भरोसा नहीं होगा उस बात पर जो मैं बताने लगी हूँ, सामने वाले को भी कन्विक्शन जो है रिलेट ही नहीं कर सकता। अगर मैं आपको यहाँ पर बैठ के बोलूँ कि मौसम 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो आप कहेंगे इसको तो खुद नहीं पता कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर मैं आपको कहूँ आज मौसम 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो अपने तैयारी करके जाएं, वैसे बिला जरूरत बाहर ना निकले, या इस तरह मैं आपको बताऊं तो आपको ऑन द लाइटर नोट, वैसे तुम लोग मतलब झूठ भी इतना अच्छा बोलते हो, सच नहीं लगता नहीं, अगर अगर वो जरूरत के तहत जरूरत के तहत बिल्कुल ठीक ठीक नहीं नहीं कभी तो ऐसा होता होगा कि चैनल की पॉलिसीज के साथ या खबर के साथ आप खुद सही आपकी अलाइनमेंट नहीं बन रही है, आपको समझ आ रहा है यार मैं तो कुछ मैं मेरा कुछ और भी है, लेकिन देन आपको पढ़नी है वो, क्योंकि आपके प्रोड्यूसर ने कहा है भाई ये पढ़ो। हाँ, देखिए आपको ये भी पता है कि अगर 3-4 बड़े चैनल्स हैं उस पर आप कोई भी बात इस तरह नहीं कह सकते जो कि कतई झूठ हो। बिल्कुल ठीक, उसके दो रुख हो क्रेडिबिलिटी आपकी और सब, उसके दो रुख हो सकते हैं, जिस एक रुख को हम समझते हैं कि बेहतर है हमारे लिए भी और व्यूवर के लिए भी। अक्सर होता है खुदकुशी के केसेस होते हैं, कत्ल के केसेस होते हैं, अगवा के केसेस होते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हम बताएं असल में क्या चीज हुई, किसी लड़की के साथ कोई वाकया हो गया, लेकिन हमारी पॉलिसी हम वो चीज नहीं बता सकते, बच्ची का नाम नहीं बता सकते और चीजें नहीं बता सकते, बताना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। तो वो दो रुख होते हैं, हम बहुत सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है, चाह कर भी हम चाहते हैं। बहुत सारे भी रिसेंटली केसेस हुए हैं, चाहे तेजाब फेंकने के हों या रेप के हों, शायद इसमें दिल चाहता है कि सच बताओ, मुल्जिम का नाम भी बता दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, बट बहुत सारी चीजें इन सारी चीजों में ये सब इतना काम का प्रेशर लोड। अभी हम एक और चीज बताएंगे, बहुत सारे लोगों को इल्म है कि राबिया ने एक और नए वेंचर में कदम रखा है, वो हम बताएंगे, लेकिन उसके उससे पहले मैं एक जरूर चीज पूछना चाहती हूँ, ब्रेक लेती हैं, ट्रैवल करती हैं? ब्रेक भी बहुत लेती हूँ, ट्रैवल भी बहुत करती हूँ। okay. बहुत दूर ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वो एक मजबूरी हो जाती है, उसके लिए आपको 15 दिन 20 दिन को। आप ज़ंज़ीबार गई हैं? सॉरी, ज़ंज़ीबार गई हैं आप? नहीं मैं नहीं गई। मैं भी नहीं गया लेकिन एक बात है कि जब से ये ट्रांसमिशन चल रही है मैं इतने मुल्क घूम चुकी हूँ, ये तो जी ट्रांसमिशन के लिए हो जाए ताली, ये हमने सिखाया नहीं था, इसको खुद बोला है। मेरे राबिया के हालात कितने मिलते जुलते हैं, हम इसी तरह सहरे कर रहे हैं, बस देखिए मजबूरी हमारी है। मैं टर्की घूमाई और पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग घूमती रही, और जिस खूबसूरती से आप लोग इसको पेश कर रहे हैं, आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम, ये हम लोगों वाली बात है शायद, और इट विल टेक सम मोर टाइम, बट लोगों को रियलाइज होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेंडसेटर हो सकेगा तुम्हारे ख्याल में, बहुत बड़ा। हमने तो टूरिज्म, आपको पता है दुनिया के कितने CNN है, BBC है, जो ट्रेवल शोज होते हैं दे आर सुपर हिट, दिस इज लाइक अ ट्रेवल शो विद एन एसेंस ऑफ इस्लाम, रमजान, स्पिरिचुअल ट्रेवल भी हो जाता है। बिल्कुल नॉवेल्टी है, कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल नया है, ग्रैंड, ट्रेंडसेटर हो जाएंगे ये लोग, और उसके बाद I'm sure कि आगे इसको कैरी करेंगे लोग। You and the team for trying something else. मैं तो हम यही मीडिया वाले बात करते हैं, किसी ने एक काम शुरू कर दिया अब उसको रगड़ते जाएंगे ताकि बस लोग तंग भी हो जाएं। बल्कि जियोमेट्री जब हुआ जियो पे वो क्या कमाल का काम था, वैसे जबरदस्त। सिर्फ यही चीज है कि आप जो लोगों को दिखाएंगे वो लोग देखेंगे, अगर आप अच्छी ही ट्रांसमिशन करने लगेंगे तो कौन जाएगा फिर ऐसी ट्रांसमिशन के लिए जो रोजे में सर दुखा दें। राइट हम इस वक्त लेके जा रहे हैं आपको ज़ंज़ीबार, और नदीम जाफरी वहाँ, वो देखते हैं कि आज हमें ज़ंज़ीबार की कहाँ कहाँ कौन सी शारा पे घुमा रहे हैं, किससे जाम्बो कर रहे हैं। जाम्बो उसने वो अली सफीना ने मांबो कर दिया था, डोडी कह रही थी वो जाम्बो है। ज़ंज़ीबार चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अकुना मटाटा। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी दोस्तों, मगर मैं आपको बताऊं कि इस लाइन का मतलब इतना जबरदस्त है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है। अकुना मटाटा इत्तेफाक से मेरी जिंदगी में इन्वॉल्व है पिछले 15 सालों से, मगर कहां से आया ये मैं नहीं जानता था, और थैंक्स टू रमजान इत्तेहाद ट्रांसमिशन के इसके जरिए मुझे पता लगा कि एक्चुअली अकुना मटाटा कहाँ से आया। आई थॉट इट वॉज अ मूवी, और साउथ अफ्रीका में जंगलों में शूट हुई भी एक मूवी का एसेंस है ये, उसका एक टैगलाइन है, उसकी पे गाना बना। मगर दोस्तों मैं नदीम जाफरी
आप तमाम लोगों से मुखातिब हूं इस वक्त ईस्ट अफ्रीका तंजानिया ज़ैंज़िबार से। यहाँ की लैंग्वेज है जंज जो कहलाती है, ये उसका लफ्ज है। और आपने फिल्मों में, ड्रामों में और किताबों में पढ़ा होगा और देखा होगा फिल्मों में कि ये जो अफ्रीकन जंगल लैंग्वेज है ये एक्चुअली उसी से निकाला हुआ लफ्ज है। ये यहाँ वही बोली जाती है, जंज इसका नाम है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। सो वेलकम शाइस्ता, नूर, शाय और तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको इत्तेहाद ट्रांसमिशन में वेलकम करता हूँ ज़ैंज़िबार से। और ये जगह बहुत जबरदस्त मशहूर है अपने खास साहिली इलाके होने की वजह से, अपने मसालों की वजह से, अपने हेरिटेज की वजह से। दुनिया में जहां जहां पोर्ट्स के लिए तकशिप अंदर आ सके और वहां पर एंकर हो सके और उससे सामान उतारा जा सके, ब्रेक वाटर्स बनाए जाते हैं। ये वो वही जगह है जहां कुदरती तौर पर ब्रेक वाटर बना हुआ है और शिप जो है काफी अंदर तक पानी के, यानी कि साहिल के बिल्कुल करीब तक आ सकता है। मगर इस बात का एक नुकसान भी है और वो ये कि शिप्स जब करीब आ जाते हैं और वो आपके पास अच्छी नीयत से नहीं आ रहे, यानी कि हमला करने आ रहे हैं, तो आपके पास भी जबरदस्त एमिनेशन होना चाहिए। और उसके इंतजाम के लिए यहाँ पुर्तगालियों ने 6 तोपें नस्ब की हुई हैं। यहाँ पर 95-98% मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसके अलावा भी जो लोग रहते हैं वो बहुत पीस एंड हार्मनी से रहते हैं और यही वजह है कि इत्तेहाद ट्रांसमिशन के अंदर इस जगह को कवर किया जा रहा है। इस जगह मैं आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि ज़ैंज़िबार में जो लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। क्या बात है भाई, वाह, मास्टरपीस। शाइस्ता, जिन चीज़ों का जिक्र किया मैंने आपसे उनमें से पहली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और आप तमाम लोग मेरे साथ रहिएगा इस ट्रांसमिशन में भी। ये पुर्तगालियों का किला था बेसिकली और ये उनका हार्बर था, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया। ये किला बना रहे थे पुर्तगाली, मगर उसी के दरमियान ओमानियों ने इन्वेड किया और अपने हाथ में ले लिया सब कुछ। आधी कंस्ट्रक्शन पुर्तगालियों की यानी पोर्चुगीज की हुई हुई थी, उसके बाद से मजीद तामीर जो है वो ओमानियों ने किया। इसलिए एक इंतजाज है इसके अंदर और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं अंदर। मैं चाहूँगा कि आपको जल्दी लेके चलूँ अंदर और वो फील जो मैं इस वक्त आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, उन चीदा चीज़ों को दिखाए बगैर आप तक मुंतकिल होगी नहीं। तमाम लोग इत्तेहाद के साथ मेरे साथ रहिएगा, आइए। खूबसूरती के साथ गर्मी कहीं नहीं देखी मैंने आज तक, कि धूप की तपिश अपनी जगह बराबर है मगर कहीं भी जरा सा छांव का चप्पा मिले अगर तो आपको ऐसे लगे कि कहीं गर्मी है ही नहीं। ये खूबी है अल्लाह ताला की इस जबरदस्त वेरिएशन में, इस क्रिएटिविटी में। और जिस जगह से इस वक्त मैं मुखातिब हूँ आपसे, ये जगह है ओल्ड फोर्ट। ओल्ड फोर्ट की दास्तान कुछ यूं है कि तकरीबन 17वीं सदी के मिड के बाद, यानी कि एंड में, ये पोर्चुगीज से छीन ली गई और पोर्चुगीज जो थे बेसिकली इसको बना रहे थे और इसकी बुनियादें उन्होंने ही डाली। और बुनियादें डालते वक्त दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं और मैं आपको फिर से बताता हूँ कि एक खास ख्याल रखा गया है इस इंतजाज का कि समंदर के पास जो इमारतें पाई जाती हैं वो बहुत जल्दी गिर जाती हैं, क्योंकि समंदर की नमकीन हवा, मिट्टी से भरपूर हवा, अक्सर उसको बहुत जल्दी खत्म कर देती है, गला देती है। और ये आपने भी देखा है हमारे कराची में भी, इफेक्ट आपके सामने है, जो सीबीयू पे फ्लैट्स बने हुए वो कितने रिपेयर होते हैं, बार बार होते हैं। तो गोया कि पूरी दुनिया में ऐसे ही होता रहा है, मगर उस दौर के समझदार लोग इस फैक्ट को जान चुके थे कि अगर समंदर के पास की मिट्टी और पत्थर इस्तेमाल किए जाएंगे उस जगह की कंस्ट्रक्शन में तो वो जगह सालों साल खड़ी रहेगी, बिल्कुल इस ओल्ड फोर्ट की तरह। इसकी दीवारों में भी और खास तौर पे ये जो शॉट अभी आप देख रहे हैं जमीन के, इसमें पत्थर वही इस्तेमाल हुआ हुआ है जो कि साहिल से तकरीबन कोई 20-25 कदम आगे जाने के बाद कोई खास कैल्शियम लपेटा हुआ पत्थर होता है।
इतना स्ट्रांग होता है, वो ज़ाहिर है समंदर के अंदर तो हम नहीं देख सकते अनलेस कि हम बिल्कुल डीप डाइविंग करें जाके, मगर वो पत्थर इतना ज़बरदस्त होता है कि वो साला साल खड़ा रहता है। और हमारे कराची में भी गिजरी लाइमस्टोन इसी काम में आता है। मैं ये बता रहा था आपको कि इसकी बुनियादें और इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर प्लिंथ और इसका इसकी दर दीवार जो खास तौर पर छतें डालने के लिए जो बीम्स रखी जाती हैं, ये पोर्चुगीज अंदाज में थी, मगर उसके बाद का जितना स्ट्रक्चर है वो खास ओमानी कल्चर से मिलता जुलता है। ये जगह जहां मैं खड़ा हूं उस वक्त, शायस्ता, शाय और नूर, मैं आप लोगों को मिस कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप लोग भी मुझे मिस कर रहे होंगे, मगर मैं एक बात बताऊं आपको, मैं इस जगह आके बहुत खुश हूं और इस बात से ज्यादा खुश हूं कि ये ट्रांसमिशन एक इतनी मुनफरद ट्रांसमिशन है जिसमें इतना कुछ घर बैठे लोगों को देखने को और जानने को मिल रहा है। ये जगह मैं दुनिया में बहुत जगह घुमा हूं, मगर इस जगह मैं कभी नहीं आया था। यहाँ की एक अलग ही आबो हवा है, और मैं बार बार बरसबीर तस्करा ला रहा हूँ उस बात को कि ये जगह बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सप्लोर करने वाली जगह है और यहाँ की अलग खसूसियात है। यहाँ का बेसिकली आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो बहुत सोफिस्टिकेशन की तरफ है, और बड़े कंप्लीट और डायनामिक आर्टिस्ट देखे हैं मैंने यहाँ पे दो तीन, आइए आपको भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। What are you doing? I can make paintings. Zabardast. And what is this painting called? What is the theme? You can call Tinga Tinga painting. All right. Nazim, ये जो painting हो रही है, इसकी theme है Tinga Tinga painting. ये मेरे हिसाब से एक इत्तेहाद की feel दे रही है, यहाँ पे भी देखिए गौर से, कि हर रंग और नस्ल के लोग बनाए एक साथ, और Tinga Tinga painting का मतलब है कि बहुत सारे लोग एक साथ अपनी आवाज उठाएं। क्या बात है? Good man. Zabardast. Zabardast. Let me. Hello, how are you? Jambo. Shaista, Noor aur Shai. Jambo ka matlab hai hello, yani ki kaise hain aap, kaise hain? Here's another artist aur ye paint kar rahe hain insani. Hello Jambo. Jambo. What are you painting? What? Okay, portrait of two people. Two tourists ki तस्वीर बना रहे हैं और बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। आपके सामने ओरिजिनल तस्वीर भी मौजूद है और उसके नीचे ये तस्वीर बना रहे हैं। एक्सेल, व्हाट्स योर नेम माय फ्रेंड? ब्रूडी। ओके, यू आर मुस्लिम? नो, क्रिश्चियन। एंड यू हैव फ्रेंड्स मुस्लिम? ओके, मैं बार बार ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूं और आपकी नजर कर रहा हूं कि यहां पर मैं एक अजीब मजेदार माहौल देख रहा हूं जिससे मेरे जहन में एक अजीब पीस है, बहुत जबरदस्त, मैं शायद अल्फाजों में नहीं डिस्क्राइब कर सकता। आई लव माई कंट्री, आई लव माई प्लेस, आई लव माई सिटी, मगर एक चीज वहां पर आ गई है कुछ दिनों से, जो मैं यहां जब से आया हूं इतनी सी भी महसूस नहीं कर रहा, कि यहां पर बरेलवी, देवबंदी, सुन्नी, शिया, वहाबी, सारी मस्जिदें लाइन से हैं, बराबर बराबर हैं, और सब इतने भाईचारे से रहते हैं, किसी को किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, सब गले मिलते हैं। ना सिर्फ ये मुसलमानों के हमारे फिके, बल्कि क्रिश्चियंस, हिंदूज और मुसलमानों के अंदर बोरी भी बहुत सारे भाई हमारे यहाँ पर हैं, और किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है अलावा मोहब्बत के। बहुत सही कहा, बैन अल-मुस्लिमीन इत्तेहाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैन अल-मज़ाहिब इत्तेहाद भी है। एक ब्रेक लेते हैं जी।